सर जी, जो मीडिया दिखा रही है वो सही न्यूज नहीं दे रही है। जो चैनल चलते हैं ठीक है, उन लोग भीड़ कुछ और होती है, दिखाते कुछ और है, सही न्यूज नहीं देते हैं। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने आज तक बनाया कुछ नहीं है पर बेच सब कुछ दिया। मध्य प्रदेश में जिंदा गायों को गाड़ दिया। क्या महंगाई हो गई है? हाँ, अरे तेल महंगा हो गया है, दाल महंगा हो गया है, सब कुछ तो महंगा है, कौन चीज सस्ता है? गैस महंगा हो गया है। गैस चूल्हा तो मिला था और गैस सिलेंडर, चूल्हा लेके क्या करेंगे जब गैस महंगा है मेन चीज, तो फिर चूल्हा लेके क्या करेंगे? दे रहे हैं, जितना नमक नहीं दे रहे हैं उतना बीमारी फैला रहे हैं। नमक में प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, नमक कौन खा रहा है? नमक में बालू है, मिट्टी है, खराब है, मिलावटी है नमक। सातवें दौर में लास्ट वोटिंग होगी। मैं इस समय बनारस में हूँ, संत श्रीमणि रविदास महाराज का यही जन्म स्थल है। अखिलेश यादव ने इस जगह को चुना है, उनका रोड शो शुरू होने जा रहा है, शायद संभवतः आखिरी रोड शो होगा। अभिषेक है, उनके करीबी हैं, क्या लगता है आखिरी रोड शो है उनका? बनारस का ये आखिरी कार्यक्रम है। हम लोग बड़ा रोड शो चाहते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कि सरकार ने अधिकारियों ने दबाव में हमें जगह नहीं दिया। अब आप देखिए 8 बजे का समय हमको दिया है और एक तरफ मोदी जी ने पूरा संसाधन झोंक के रखा था, दूसरी तरफ साइकिल वाले हैं और आपको अंतर पता चल जाएगा, आपको अंतर पता चल जाएगा कि साइकिल की रफ्तार इस भीड़ को देख करके कि कितनी तेज चल रही है। अब देख जी, बहुत उत्साह है, 6 दौर की वोटिंग हो चुकी है, 6 दौर की वोटिंग, 350 सीटों का लगभग खेल खत्म है। कितनी सीटें अभी तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और 300 के पार हैं और ये भी जो चुनाव होगा सातवें चरण का, ये हमारी लीड होगी। बनारस में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री से लेकर के सारे उनके कैबिनेट के लोग गली गली घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन बनारस प्रधानमंत्री जी के जो यहाँ मंत्री थे या जो योगी के जो कार्यशैली थी उससे नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है और समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। क्या रहा मीडिया से बहुत नाराजगी थी अखिलेश जी को, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई स्ट्रेटजी थी आप लोग की या अभी भी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है? नेशनल दस्तक हमको दिखा रहा है और हम नेशनल दस्तक के साथ हैं। नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, क्या लग रहा उससे भी कुछ नुकसान हुआ आप लोगों को क्योंकि आप लोग मीडिया से बाहर हो गए? सवाल इस बात का है कि जब जनता हमें बुला रही है और आप साथ हैं फिर दूसरे की जरूरत क्या है? देखिए, क्राउड है आपकी रैली में, भीड़ है, मैनेजमेंट के लेवल पे कहीं आप लोग पीछे रह गए हैं? जिस तरह से ईवीएम को लेकर खबरें आ रही है, ईवीएम खराब हो रहा है उसके 1-2 घंटे तक, नाम बहुत ज़्यादा आपके, खासकर जो गैर सवर्ण जो गैर बीजेपी वोटर थे उनके नाम गायब है, इन सब को लेकर क्या कोई बातचीत हो रही है अखिलेश जी से, क्योंकि आप राइट हैंड हैं उनके? देखिए, ऐसा है कि यह चुनाव जनता लड़ रही है, जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर किसी का पता नहीं चलता। ये जनता चुनाव लड़ रही है और सरकार बदलने वाली है, 10 मार्च को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। एकदम आश्वस्त है आप लोग? हम मेहनत कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि जनता हमें जिताएगी। शुक्रिया, बहुत बिजी शेड्यूल है इनका और ये अभिषेक थे ये तस्वीर नहीं छापते हैं मीडिया वाले, जो पेपर में न्यूज दे रहे सातवां चरण का हुआ, जो एक मिनट अब पूरा देश चुनाव का दिया है, मतगणना का जितना भी है काउंटिंग का, अभी मतगणना काउंटिंग वही नहीं है जो चुनाव का टकराव हुआ दो ही पार्टी का, एक भाजपा एक सपा, अब बीच में कांग्रेस और बसपा कठपुतली जी की तरह फंसा हुआ है और हर वर्ग का वोट इनको दे रहा है। आज जनता दुखी है क्यों है कि एनआरसी लगा दिया, जेस्टिक लगा दिया, कोरोना लगा दिया, जहाँ कोरोना नहीं वहाँ मर रहे हैं लोग, डर के मारे कोई डॉक्टर के नहीं जा रहा है, इसलिए हर विद्यार्थी के लोग में मौत हो रही है, घाट किनारे दरिया पर पोखरे में फेंक दे रहे हैं। क्या कह रहे थे मीडिया को लेकर? सर जी, जो मीडिया दिखा रही है वो सही न्यूज नहीं दे रही है। जो चैनल चलते हैं ठीक है, वो लोग भीड़ कुछ और होती है, दिखाते कुछ और है, सही न्यूज नहीं देते हैं। मीडिया बिक गई है बिल्कुल, जो स्ट्रीम मीडिया है। सर, क्या नाम है आपका? सर मनोज मौर्य नाम है, मनोज कुमार मौर्य। मौर्य जी, बिरादरी से कोई मैटर नहीं, इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो जात बिरादरी से कोई मैटर नहीं है। अच्छा, जो युवा आप देख रहे हो यहाँ पे सारे, सब उनकी डिमांड है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनीश अहमद।
समझ गए, रोजगार डिमांड है हमारी। क्या नाम है? विशाल यादव नाम है हमारा। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने आज तक बनाया कुछ नहीं है पर बेच सब कुछ दिया। मंदिर तो बना दिया, मंदिर बना दिया, लेकिन अब आगे लोगों को रोजगार तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बना रही है ना मंदिर, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। महंगाई में सरकार फैल रही है, इसीलिए हम लोग विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे। देखिए कॉरिडोर की शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी, आप अपनी जानकारी सुधारिए। कॉरिडोर की शुरुआत अखिलेश यादव ने शुरुआत की थी। खाली पेट भजन नहीं होते, मंदिर बना दिया, अच्छा काम किया, अब रोजगार तो दो। तो यादव हो गाय माता को भी तो बचा रही है। कुछ नहीं, गाय माता की आज सबसे ज्यादा बुरी दुर्गति है। गाय माता की आज सबसे ज्यादा दुर्गति है। ये यहाँ उत्तर प्रदेश में गाय माता है और आसाम में गाय को खाता है। आसाम में गाय को खाता है, उत्तर प्रदेश में गाय माता है। तो आपके लिए गाय माता है ना? तो हम तो मान ही रहे हैं माता। तो योगी जी तो गौशाला खोल रहे हैं, स्कूल चाहिए कि गौशाला चाहिए? रोजगार भी तो चाहिए, रोजगार चाहिए। स्कूल चाहिए या गौशाला चाहिए? हमें स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, लोगों का भविष्य हो जिसमें, ऐसी सरकार चाहिए। वही तो पूछ रहा हूँ ना। काम धेनु योजना अखिलेश यादव की जो थी गाय के लिए थी, किसानों को रोजगार देने के लिए थी, उसको तो ये बंद कर दिए। और गौशालाओं में चारा बिना तो मर रही है गाय। आप लोग मीडिया वाले रोज अखबार में आता है कि यहाँ पे गौशाला में मरती हैं, वहाँ मर रही हैं। कितने ज्यादा कितने को गाड़ दिया गया। और आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में जिंदा गायों को गाड़ दिया, जिंदा गाड़ दिया गया। ठीक है, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अखिलेश यादव का रोड शो है, मेरे कैमरा मैन दिखाएंगे। और ये देखिए मीडिया, मैं आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा। जय भीम। क्या नाम है? शकील नाम भी, हम जानते हैं आपको। क्या मीडिया है? तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अखिलेश यादव का रोड शो होना है, बनारस की तस्वीरें हैं। और ये देखिए महिलाएं भी आई हैं। कहाँ से आई हैं ये लोग? हैं कहाँ से आई हैं आप लोग? चंदुआ छित्तूपुर से भैया। क्या नाम है? देवी। अच्छा, तो अखिलेश जी को वोट दे रही है, पैसे वैसे दे के लाई है? नहीं, अखिलेश जी के वोट दे रहे हैं। अच्छा, अपने से आई हैं? अपने से आए हैं। पैसा वैसा नहीं मिला? नहीं नहीं, पैसा वैसा नहीं मिला है। अपने पैसा कमाया अखिलेश यादव के जिता वरना शुरू हो गया गुंडाई, शुरू हो गया। आराम से रहोगे तो आराम, सबर करो, बात कर रहे हैं आपसे, ज्यादा समझदार है नहीं ये? हाँ, तो काहेला पसंद कर दिया अखिलेश जी को? काहे न पसंद करेंगे भैया, इतनी बताइए, मोदी जी इतना महंगाई कर दिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, बताइए हम लोग कैसे खाएंगे जिएंगे? राशन तो मिल रहा है 5 किलो, और राशन से 5 किलो से क्या होगा पहले बताइए आप? जिसके घर में 10 लोग हैं, 5 किलो में खा लेंगे क्या? माता जी आ रहे हैं, क्या महंगाई हो गई है? अरे तेल महंगा हो गया है, दाल महंगा हो गया है, सब कुछ तो महंगा है, कौन चीज सस्ता है? गैस महंगा हो गया है। तो गैस चूल्हा तो मिला था और गैस सिलेंडर, चूल्हा लेके क्या करेंगे जब गैस महंगा है मेन चीज, तो फिर चूल्हा लेके क्या करेंगे बताइए? पीछे हो गए आप लोग, पीछे हो गए, साइड हो गया। आप कहाँ से आई हैं? छित्तूपुर से। छित्तूपुर से भैया। तो पैसा वैसा नहीं मिला आने जाने का खर्चा? हम लोग का कुछ नहीं मिला, हम लोग अपने से आते हैं, अपने मन से आई हैं। सच सच बताइएगा, सच सच बताए। तो कहला अखिलेश पसंद है भैया? अखिलेश हमको ये पसंद है कि अब बताइए, इतना गैस महंगा हो गया, सब्जी महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, हर चीज हो गया है, गरीब आदमी कैसे खाएगा भैया? हम लोग तो कमाएंगे तभी खाएंगे, बताइए भैया। हम कहे कि भैया कहीं से व्यवस्था होगा तब ना गरीब खाएंगे। तो राशन तो दे रहे हो जी 5 किलो? 5 किलो राशन में भैया माला तेल नून न लगे? 5 किलो राशन नमक खाए मोदी जी का, वोट नहीं देंगे उनको? नमक खाए वो हमारा खिला के मुआ रहे हैं, नमक नमक खिला के मुआ रहे हैं, नमक खिला रहे हैं कि नमक खिला के मुला रहे हैं? ढकेलिए मत, थोड़ा सा यही दिक्कत है आप लोग की। आप लोग क्या इनको, आप लोगों ना खुद पर भरोसा है, हुड़दंगाई कर रहे हैं आप लोग। जितना नमक नहीं दे रहे हैं उतना बीमारी फैला रहे हैं। नमक में प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, नमक कौन खा रहा है? नमक में बालू है, मिट्टी है, खराब है, मिलावटी है नमक, कौन खा? आम लोग हैं, ये आम लोग हैं, यही लोग हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर वोट दिया था,
और अब इस बार नाराज, लेकिन मंदिर तो बना दिए योगी जी। वो मंदिर लेके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गरीब आदमी है, क्या करेंगे, मंदिर में से हम लोग के खाना मिलेगा क्या? खाने को देखिए, आप अभी आपके पास आएंगे। मंदिर बनाए हैं तो मंदिर में हम लोग क्या करेंगे, गरीब आदमी के पास पैसा रहेगा तभी दर्शन करेंगे, तभी मंदिर में जाएंगे। वो भी पक्का पैसा तो नहीं मिला ना? नहीं नहीं नहीं, ईमानदारी से बताइए। पैसा नहीं मिला, हम लोग अपने से आए हैं अखिलेश भैया। पत्रकारों की कसम है आपको? हाँ, पत्रकारों का कसम है, हमको कोई पैसा नहीं दिया है। तो देखिए, ये आम लोग हैं, यहीं से आपको सही जानकारी मिलेगी, यहीं से सही जानकारी मिलेगी। और ये लोग हैं, बहुत सरकार से बहुत उम्मीदें होती हैं लोगों को, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी। कोई भी सरकार आ जाए, ये लोग इनको प्राथमिकता पर लेना चाहिए। हाशिए के लोग हैं, तो काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। चूँकि रोड शो है तो थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा है, और इसलिए लोगों को समझाना पड़ता है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, आपको सर हम बहुत देखते हैं सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये देखिए ये तस्वीरें। हाँ ठीक है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। रोड शो होने वाला है, रश बहुत है, लेकिन मीडिया की करतूत देखिए कि मीडिया चाहे मायावती की रैली हो या अखिलेश यादव की रैली हो, वो नहीं दिखाती है। मेरी लगातार कोशिश होती है, बीएसपी वालों को बहुत नाराज़गी है मुझसे, उनकी नाराज़गी भी सही है। मेरी अपनी निजी मजबूरियाँ थी और मैं फॉलोअप नहीं कर पाया, मैं एक दिन लेट चलता रहा। लेकिन ये आज अखिलेश यादव का रोड शो है, सातवें फेज में वोटिंग है, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ टीवी अखबार से, ये तमाम खबरें गायब है। तो ये बड़ी रैली दिखा रहा हूँ आपको, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और अखिलेश यादव की 8 बजे से रोड शो है। बनारस का ये वो चौराहा है जहाँ रविदास महाराज का जन्म हुआ था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। मोदी जी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। क्या नाम है आपका? मैं अमन श्रीवास्तव, पूर्व छात्र संघ महामंत्री, हरिशंद महाविद्यालय, राष्ट्रीय सचिव सामाजिक छात्र सभा। कितना श्रीवास्तव जी लोग या अखिलेश की भूमिका अगर आप देख रहे हैं तो कायस्थ की भूमिका खाली यहाँ आप जहाँ खड़े हैं ये कंट विधानसभा में मत देखिए, दक्षिणी में ही मत देखिए, बल्कि कायस्थ पूरी तरीके से इस बार जो है वो जा चुके हैं समाजवादी पार्टी के खेमे में। यहाँ पे आशुतोष सिन्हा के MLC को जो टिकट दिया इन्होंने, उससे ये साबित हुआ कि कायस्थों की अगर कोई हितैषी है पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है, दूसरी पार्टी नहीं। आप जितना चिल्लाओगे ना, जितना चिल्लाओगे उतना लोग हंसेगा। उटिंग नहीं बात पर। हम कुछ हमारे सामने चिल्ला के कोई फायदा नहीं होगा, और बहुत नेगेटिव हो पहले से और नेगेटिव हो जाओ। और जहाँ तक बात रही नकारात्मकता की, ठीक है, कोई गलत करता है कोई सही करता है, चीज़ें सीख रही हैं आ रही हैं आगे। अब जो नौजवान है, नौ युवक है, देखिए लड़ाई किस चीज़ की थी, जो चुनाव हुआ है इसमें आप उठा कर सवर्ण लोग वोट कर देगा अखिलेश यादव। देखिए सवर्ण लोग वोट कर देगा ये आप मत पूछिए, सवर्ण लोग शुरू से अखिलेश के साथ थे। जब पार्टी का गठन, बीजेपी कैसे आ गई भाई? बीजेपी वैसे ही आ गई जैसे सपा आई थी, अब बीजेपी वैसे ही। सलमान तो नहीं देता है वोट, वो तो हम जानते हैं बीजेपी को, लेकिन सवर्ण समाज भी अखिलेश। इस बार मुसलमान, हिंदू और सिख और ईसाई नहीं है, बीजेपी जब से आई है तो पता है क्या हो रहा है, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी उस परिंदे की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये बीजेपी सर जो शुरू से ही तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है, जातिगत राजनीति करती आई है, आप मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिएगा, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो नौजवान पीढ़ी पढ़े लिखी है दोनों का मैनिफेस्टो उठा करके देखिएगा, उनके मैनिफेस्टो में लिखा है राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बन चुका शायद वो अब खत्म हो गया। इनके मैनिफेस्टो में लिखा 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम सिंचाई जो थी किसानों की वो मुफ्त करेंगे, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि जो बालिकाओं को साइकिल मुफ्त मिलती थी, जो KG से PG। अरे अभी हिंदू मुस्लिम होगा सारा, यादव लोग मुसलमान पर डंडा लेके निकल। आप समझदार आदमी बताइए ना जनता को कि ना होने पाई इस बार। हम क्यों बताए, पार्टी के कार्यकर्ता स्तंभ है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, बेईमान पत्रकार है। बताओ आप तो ईमानदार पत्रकार, पत्रकार बेईमान हो ही नहीं सकता। हम अभी छात्र संघ का राजनीति किया, छात्र संघ का महामंत्री हूं। अभी हिंदू मुस्लिम होगा तो सारा जो हिंदू समर्थक है ना सपा का, यादव जी लोग मुसलमानों पर टूट पड़ेगा। जैसे जातिगत जातिकरण समीकरण जो था, आप बिहार में उठा करके देख लिए, उत्तर प्रदेश में उठा कर देख लिए, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैनिस्ट है, ये चमार है, ये सियार है, ये हरिजन है, ये पासी है, ये डोम है, ये खटिक है। इसकी लड़ाई आज तक जो लड़ते आए थे ना, ये सन 2021 की सरकार, 22 की सरकार बनने जा रही है, ये नई हवा है, नई सपा है, जातिगत से ऊपर उठ करके बेरोजगारी को दूर करने की बात होगी और नौजवानों को रोजगार देने की बात होगी, अब हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी इस बार। चलो देखते हैं कितना सवर्ण लोग वोट करते हैं 10 मार्च को। बिल्कुल 10 मार्च को आपके सामने होगा, और शायद 10 मार्च के बाद हमारी आपसे मुलाकात ना हो, लेकिन बाबा काशी
हो सकता है ना हो, आप कहीं और हो हम कहीं और हो, लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पे आप आइएगा। आप बाबा काशीनाथ को मानता है ना, मोदी जी ने कॉरिडोर बनवाया उनको वोट करेगा। बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पे मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया है, आप योगी जी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी आप लोग ये बात नहीं करते कि ये दो डबल इंजन की सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट की चार पॉलिसी बता दीजिए जो यहाँ बनारस के, बनारस में है ना मोदी जी, बनारस से ही जो कि सब लोग बोल रहे हैं राजनीति का केंद्र इस समय उत्तर प्रदेश में बन चुका है, चार काम कोई बता दे। ये देखिए फॉरवर्ड कायस्थ समाज से है, कितना शानदार बोलते हैं। अभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को बात करना भी सीखना पड़ेगा, अभी वो नारे लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित यादव नाम है मेरा। यादव जी हैं जी, तो एकदम बढ़िया बोल रहे हैं आपके तो कायस्थ जी, जी। दे रहा है ब्राह्मण कायस्थ सब, सारे समाज के लोग वोटिंग कर रहे हैं इस बार, और 10 को पता समाजवादी पार्टी सारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है और अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए तो वही तो हाथ उठवा रहे, बिना यादव गैर यादव कितना लोग हैं यहाँ? सारे यादव है इस बार, यादव कम मिलेंगे, गैर यादव सतीश कुमार यादव विधानसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए हम भीड़ दिखा रहे हैं आपको, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और रोड शो है ये अखिलेश यादव का, थोड़ी देर बाद से रोड शो शुरू होगा और इसी चौक पर रोड शो शुरू होगा, काफ़ी गहमा गहमी है, भीड़ है। चलिए, बीएसपी समर्थकों को बहुत नाराजगी है मुझसे कि मैं रोड शो नहीं, मैंने एक रैली दिखाई थी मायावती जी का भी, तो जितनी संसाधन है उतने में कोशिश करता हूँ, बाकी मेरा मेरा जो काम है वो सबको पता है, जो बहुजनों का हक अधिकार है वो कैसे सुरक्षित रहेगा वो मेरा लक्ष्य है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए किस तरह से जनसैलाब है, हुजूम है, भीड़ है, अखिलेश यादव का रोड शो है और ये शायद अब आखिरी रोड शो होगा आज। कल प्रचार का अंतिम दिन है, सातवें दौर की वोटिंग जो है वो 7 तारीख को होगी, 7 मार्च को, और ये देखिए एक क्राउड है, रश है, भीड़ है, बात नहीं कर पाएंगे आप इनमें से, इसलिए मैं अमूमन बचता हूँ रैलियों को कवर करने से। मैं आज बनारस में हूँ, मेरी कोशिश है कि पब्लिक ओपिनियन लोगों को दिखाई जाए, तो ये रश दिखा रहा हूँ, ये भीड़ दिखा रहा हूँ, और ये देखिए ये तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट है। आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने इस पूरे चुनाव को सोशल मीडिया के जरिए लड़ा है, उनका फेसबुक पेज देखेंगे आप, समाजवादी पार्टी का ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ और रश आया है, तो अखिलेश यादव के पास मीडिया बैकअप बहुत ज़्यादा नहीं रहा है और उन्होंने पूरा चुनाव जो है वो सोशल मीडिया के तौर पर लड़ा है। जब आप फेसबुक पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, ये अखिलेश देखिए, ये बस जो है यही बस है जिसको रथ का नाम दिया है विजय रथ, और ये बस आपको दिखा रहा हूँ बनारस के चौक से, ये तस्वीरें देखिए, और अखिलेश यादव इसी रथ पर आएंगे, और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के दम पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास अपना फेसबुक पेज है, ट्विटर अकाउंट है, मीडिया ने बिल्कुल तरह से बायकॉट किया है, जैसे बीएसपी को करती है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को करती है, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, हाँ तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये वो बस है जो मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, और भीड़ तो हो गई है, काफ़ी भीड़ है, रश है, तो ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको आज, ये देखिए ये तस्वीर है, ये बड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और मीडिया ने जिस तरह से बॉयकॉट किया है, तो अखिलेश यादव पूरा चुनाव जो है वो इसी बस के सहारे और सोशल मीडिया के सहारे वो लड़ रहे हैं। इसके बाद काफ़ी हुजूम होगा, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रोड शो है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपसे डिस्कोर्स करूँ। मायावती की जी रैली हो या अखिलेश यादव की रैली हो, काफ़ी भीड़ जुड़ती है, और उसके बाद भी देखिए इतने रश के बाद भी आवाजाही जारी है, लोग आ जा रहे हैं, कोशिश होती है कि थोड़ी असुविधा हो ताकि लोगों में गुस्सा भरे, थोड़ा सा जाने दीजिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये देखिए तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और मैं अब भीड़ से निकल आया हूँ, काफ़ी रश हो गया है, काफ़ी भीड़ हो गई है, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, भैया थोड़ा सा जगह दीजिएगा, ये भैया थोड़ा सा जगह दीजिएगा, थोड़ा सा आगे हो गया, थोड़ा सा कैमरामैन मैन पहन दीजिए ना, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, और ये वो जगह है, यही वो जगह है
जहाँ से उनका रथ यात्रा शुरू होने वाला है और आखिरी रोड शो हो सकता है या कल आखिरी दिन का प्रचार है। तो चलो चलिए आशीष, म्यूजिक है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको और मैं फिर कह रहा हूँ, अखिलेश यादव को भी मीडिया ने बॉयकॉट किया है और उन्होंने पूरा चुनाव जो है वो सोशल मीडिया के दम पर वो लड़ रहे हैं। तो भीड़ काफ़ी होती है, चाहे मायावती जी की रैली हो, अखिलेश यादव की रैली हो, मीडिया उसे नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का फेसबुक पेज बहुत बढ़िया है, मायावती जी का जो पूरा प्रचार है वो सतीश चंद्र मिश्रा के फेसबुक पेज पर चल रहा है। मुझसे बहुत लोगों को नाराज़गी है, मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ थी, मैं बीएसपी का सारा रैली कवर नहीं कर सका तो मैं हमेशा एक दिन लेट रहा, लेकिन मैं ग्राउंड से आपको रिपोर्ट्स लगातार दिखा रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सपा है या बसपा है वो सबसे ज़्यादा, या आरजेडी है, ये सबसे ज़्यादा कोर वोट वाली पार्टियाँ हैं। इनके पास संसाधन नहीं है, मीडिया नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन अगर कोर वोटर की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या है, लेकिन मीडिया इसको दिखाती नहीं है, चाहे मायावती की रैली हो या अखिलेश यादव की रैली हो। मैं ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको और आप लोग की नाराज़गी जो है बीएसपी कार्यकर्ताओं की, उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, संसाधन कम है। मैंने इस बार जिस भी रैली को कवर किया है, जिस रास्ते में जो भी नेता मिल गए हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की है। बाकी आप लोग का नाराज़गी हमें बताती रहती है, सवाल पूछना मुझसे भी आप लोग जारी रखिए। तो बनारस से अखिलेश यादव का ये रोड शो दिखा रहा था, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। मैं एक बात साफ कर दूं कि मेरा लक्ष्य है, मेरा काम जो है इस देश के संविधान को मानना और इस देश की बहुसंख्यक आबादी के अधिकारों को सुरक्षित रखना है, उनके पत्रकार के, उनके सवालों को, उनके मुद्दे को उठाना है। कैमरा नासिस के साथ शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वाराणसी, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।